नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। रक्षा निर्यात 15,920 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा, पीएम मोदी ने ट्वीट पर दी बधाई। हावड़ा हिंसा पर बोली बीजेपी, मुस्लिमों पर टिका बंगाल सरकार का अस्तित्व वोट बैंक की राजनीति कर रही है ममता बनर्जी। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा का दिल्ली सीएम पर वार, केजरीवाल का दिमाग खराब, शराब घोटाले में अगला नंबर इनका। सावरकर के बलिदान को भुला नहीं सकते, राहुल के सावरकर वाले बयान पर विवाद के बाद एनसीपी प्रमुख बोले इसे राष्ट्रीय मुद्दा न बनाएं। आप नेता पृथ्वी रेड्डी ने दिया बड़ा बयान, बोले कर्नाटक हमारे लिए दक्षिण का प्रवेश द्वार, नैरेटिव बदलने की कर रहे हैं कोशिश। सीएम योगी ने बारिश से हुए नुकसान की मांगी रिपोर्ट, कहा जनहानि होने पर पीड़ित परिवार को दिलाएं तत्काल सहायता। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का ममता पर हमला, बोले दयाशंकर पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर हुई हिंसा राज्य प्रायोजित। सांसद मेनका गांधी का बड़ा बयान, कहा गधे के दूध का साबुन औरत को रखता है सुंदर, दिल्ली में 500 रुपए में मिलता है, यहां भी बनाए। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर वार, बोले जिस सरकार को व्यापारियों की मदद करनी चाहिए वही उनका उत्पीड़न कर रही है। सांसद सच्चिदानंद हरिसाक्षी महाराज का कांग्रेस व सपा पर निशाना, बोले पहले की सरकारें कराती थी दंगा, आज देश में रामराज्य। अमेरिका के 6 स्टेट में 53 टोर्नेडो और कांस में 5 की मौत, 30 घायल, सेंट्रल यूएस के 3 लाख घरों में बिजली गुल। साउथ कोरिया के पूर्व तानाशाह के पोते ने मांगी माफी, 200 लोगों के कत्लेआम पर दादा को पापी हत्यारा कहा, पीड़ित के रिश्तेदार ने गले लगाया। टच बॉर्डर के पास चीन ने बनाए पावर प्लांट, कोयले से 1600 मेगावाट बिजली बनाएंगे, शहबाज बोले यह चीन पाक दोस्ती की मिसाल है। रूस बना यूरेसी का प्रेसिडेंट, यूक्रेन बोला यह अप्रैल फूल पर सबसे भद्दा मजाक, पिछली अध्यक्षता के दौरान हुई शुरू ये जंग। पाकिस्तान में 1 साल में 35% बढ़ी महंगाई, 58 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, चीन ने 16,000 करोड़ का कर्ज चुकाने का समय बढ़ाया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सलीम दुरानी का निधन, 88 की उम्र मिली आखिरी सांस, भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने वाले पहले अफगानी थे। दिल्ली ने पवेलियन में पंत की जर्सी टांगी, वुड ने हैट्रिक वाली गेंद नो बॉल फेंकी, रूसो अजीब गरीब तरीके से आउट हुए। केन विलियमसन आईपीएल के पूरे सीजन से बाहर, पहले मुकाबले में चेन्नई के खिलाफ घुटने में लगी थी चोट। आईपीएल में लखनऊ की दिल्ली पर लगातार 3री जीत, 50 रन से हराए, वुड को 5 विकेट, मेयर्स ने बनाए आतिशी 78 रन। स्पेन मास्टर्स के फाइनल में पीवी सिंधु सिंगापुर की मेन को हराए, साल के पहले खिताबी मुकाबले में पहुंची। एनएमएसीसी के ग्रैंड इवेंट लॉन्च पर पहुंचे शाहरुख खान, मैनेजर पूजा ददलानी ने शेयर की पार्टी नाइट की तस्वीरें। कफार मार्केट में शूट होने वाली पहली फिल्म है गुमराह, रियल लोकेशन पर शूट करने से सीन्स हो गए थे लीक। ऑल व्हाइट लुक में नजर आई जानवी कपूर, पल से जड़े ब्लाउज व्हाइट लहंगे में दिखी गॉर्जियस, वीडियो देख फैंस कर रहे हैं तारीफ। लास्ट स्टेज में है कियारा कार्तिक की फिल्म सत्य प्रेम की कथा, अब कश्मीर में होगी शूटिंग, 29 जून की रिलीज होगी ये फिल्म।
अनुभव सिन्हा ने हर क्रू मेंबर से मांगी माफी। फिल्म अनेक के फेल होने के बाद हर एक को किया मैसेज। फिलहाल 5 मिनट की 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।